सारी सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बताइएगा आप लोगों के पास इस वक्त क्या खबरें, अभी भी पुलिस मौजूद है और आज फिर दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश हो सकती है? देखिए मुझे तो हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे आपने अभी सुनाया कि इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं हमने सिर्फ नोटिस सर्व करना था, अगर ये मकसद था वो तो मकसद पूरा हो गया, नोटिस सर्व हो गया, हमने वसूल कर लिया और अपने वकला से हम मशावरत में हैं। अगर आपने गिरफ्तार नहीं करना तो फिर इतनी तादाद में वहाँ पुलिस को भेजना, वहाँ एलीट को भेजना, वहाँ आपका बनाओ प्रिजन वैंस को जमा करना, इसकी जरूरत क्या है? बिला वजह लोगों को इश्तियाल दिलवाने की क्यों कोशिश की जा रही है? मीडिया में किस्म किस्म की खबरें आ रही हैं, कभी किसी पुलिस ऑफिसर का बयान चल पड़ता है, उसकी तरदीद करता है और टोटल इस वक्त वहाँ लगता है कि एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो बिला जवाब है। मेरी नज़र में हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, आइंदा भी करेंगे और इस वक्त इमरान खान साहब के पास प्रोटेक्टिव बेल है। अच्छा। और उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता, अदालत ने बुलाया है, जब बुलाएंगे तो अपने वकला से मशावरत के बाद हम अपना लायमल बता देंगे, हमने कब इनकार किया। तो आप इस उस प्रोटेक्टिव बेल की बात कर रहे हैं जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली थी? जी वो प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है और हम इन कंसल्टेशन हैं कि उसके बावजूद हमें क्या मजीद क्या इकदामात दरकार हैं या नहीं है। तो मैं जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ मशावरत में भी हूँ, इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है और वकला के साथ नशिस्त जारी है और उस नशिस्त को सामने रखते हुए हम अपना लायमल देंगे। इसके अलावा एक अहम खत भी है जो मैंने और हमारी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब, हमने एक खत भी अर्साल किया है जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में, जिसमें जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनका हमने जिक्र किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी उस पर गौर फरमाएंगे। तो फिर हम ये समझे शाह साहब के 7 मार्च को इमरान खान साहब फिर पेश हो रहे हैं तोशाखाना ही केस में जिसमें नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए हैं इनके? देखिए ये तो जो हमारे वकला गाइड करेंगे, हम वकला की मशावरत से फैसला करेंगे। अच्छा, और शाह साहब कल खान साहब ने मफामत की ऑफर दी, आपके ख्याल में आज जो सब कुछ हुआ ये आपकी उस पेशकश का जवाब है या आप समझते हैं कि अभी जवाब आना बाकी है और कोई रابطे हुए हैं क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि जो कल खान साहब का खिताब था, अगर आप उस खिताब को सुनिए उसको देखिए तो उसमें मुल्क की फिक्र थी, कौम का दर्द था और उन्होंने कहा कि मुझे जितनी ज़हनी तकलीफ देने की कोशिश की गई, मुझ पर किस्म किस्म का कीचड़ उछाला गया, उनकी अहलिया को भी जेर बहस लाया गया, उन पे मुकदमात मन घड़त 74 के करीब मुकदमात केसेस कायम किए गए, उन पर कातलाना हमला हुआ, सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के मफाद में सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ दरगुजर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस हालत में है यकजहती की जरूरत है। मैं सियासी जमातों से गुफ्तगू सुनने के लिए भी तैयार हूँ। अब
कुछ मजबूरियां हैं, हाँ किसी ने अगर नेशनल वेल्थ को लूटा है तो वो मेरा पैसा नहीं है, वो कौम का है, उसका अख्तियार माफी का मेरे पास नहीं है, उसका एक तरीकाकार है। लेकिन जहां तक मेरे जाती मुझे अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो वो मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। और हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम के बारे में सोचना चाहिए। माशी जो इस वक्त बदहाली है, महंगाई ने लोगों को बिल्कुल परेशान किया, लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं बेबस दिखाई दे रहे हैं, उससे निकालने के लिए हमें कोई रास्ता तलाश करना है। और रास्ता माकूल क्या है? आईन के मुताबिक सदर ने तारीख दे दी है 30 अप्रैल पंजाब के लिए, और कल खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को भी तारीख देनी होगी। नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे वो कंटेम्प्ट में, उसके कंटेम्प्ट में जा सकते हैं अगर वो हुक्म मंजूरी करेंगे, और आईन शिकनी वो करेंगे अगर ऐसा नहीं करते। तो अगर 60% मुल्क में इंतखाबात होने हैं तो बेहतरी इसी में है कि जनरल इलेक्शन पर हम कुतुब शरीफ से इसी रास्ते पे आ जाए और एक ही मरतबा जनरल इलेक्शन करा दिया जाए और मुल्क को इस हैजान से आजादी दिलवाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब गुफ्तगू कर रहे, उनकी आपने इस वक्त तमाम सूरत हाल सुनी और वो उनका मौकिफ क्या है। अब प्रोग्राम में हम आगे ही गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और जाहिर